हेलो फ्रेंड्स, सौम्या किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं माइक्रोवेव में मलाई से घी निकालना। घी निकालने के लिए चाहिए मलाई। ये मलाई है दूध की, जो दूध के ऊपर निकलती है, और ये मैंने हाफ बॉल से थोड़ा सा कम ली है, क्योंकि जब उबलती है तो बाहर निकलने का डर रहता है, तो इसलिए मलाई थोड़ी सी कम ली है। और आप भी कम लें, ज़्यादा ना लें, नहीं तो बॉल से बाहर निकलेगी माइक्रोवेव में, और माइक्रोवेव में फिर आपको सफाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इससे घी बहुत ही जल्दी निकल आता है। वैसे आपको एक घंटा पौन घंटा आराम से लग जाता है घी निकालने में कढ़ाई में। इसमें आपका 10 से 12 मिनट में या 15 मिनट में या कम हो तो 5-6 मिनट में घी निकल आता है। माइक्रोवेव में बॉल को रखेंगे, माइक्रोवेव की फुल टेम्परेचर पर गरम करेंगे। अलग अलग सिस्टम होते हैं माइक्रोवेव के, तो आप अपने हिसाब से देख लें, जो भी फुल टेम्परेचर हो माइक्रोवेव का तो उससे स्टार्ट करें। सबसे पहले 2 मिनट के लिए स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी मेरी नई वीडियो की, तो आप उसको फटाफट देख सकते हैं, इसलिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। 2 मिनट हो गए हैं, अब एक बार घी को चला देंगे। 2 मिनट में घी इस तरीके से हुआ है, और करीब 3 मिनट के लिए चलाएंगे। आप देख रहे हैं मलाई थोड़ी ऊपर आ रही है। अगर इसको हम ज़्यादा भर देंगे तो मलाई बॉल के बाहर निकलने का डर रहता है। 3 मिनट हो गए हैं, अब एक बार फिर से घी को चला देंगे। बॉल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो बॉल को कपड़े से पकड़ करके निकालें। अब फिर से 3 मिनट के लिए रख देंगे। माइक्रोवेव में बहुत इजी तरीके से घी को निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा बर्तन करने की भी ज़रूरत नहीं। एक बॉल में आप मलाई को डालें और बस इस स्पैचुला से उसको बीच बीच में चलाते रहें, घी बनकर के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं मलाई कितनी ऊपर तक आ रही है, क्योंकि मलाई उबलती है दूध की तरीके से, तो वो बाहर आने का डर रहता है। अगर लगे आपको कि मलाई बाहर निकलने वाली है, तो आप माइक्रोवेव को बंद करके एक एक मिनट के लिए चलाएं। फिर से 3 मिनट के लिए रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब एक बार फिर से मलाई को चला देंगे। जब मलाई उबल के ऊपर आ रही हो, तब एक एक मिनट के लिए चलाएं माइक्रोवेव को, जिससे कि मलाई बाहर ना निकले बिल्कुल भी। मलाई नीचे लगनी शुरू हो जाएगी तो बॉल में चिपक जाएगी, इसलिए बीच बीच में मलाई को चलाते रहना ज़रूरी है, जैसे कि हम कढ़ाई में चलाते हैं। अलग होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं घी बिल्कुल अलग हो गया है, घी बनकर के तैयार है। आप देख सकते हैं घी बिल्कुल अलग हो गया है। करीब 15 मिनट लगे हैं टोटल इसको घी को निकालने में। घी को एक छलनी में करके दूसरे बॉल में छान लेंगे। इसको अभी इसी तरीके से छलनी में करके रख दें, जिससे कि जो इसमें एक्स्ट्रा घी होगा वो सब निकल करके बॉल में आ जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम दानेदार घी बन करके तैयार है, वो भी 15 मिनट में। आप बहुत ही आसानी से माइक्रोवेव में इस तरीके से घी बना सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। आप पंखा चला करके किचन में काम कर सकते हैं। कढ़ाई बहुत जल जाती है घी बनाने में। आप देख सकते हैं बॉल बिल्कुल भी नहीं जला है, तो कितना आसान है मलाई से घी निकालना। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्या किचन।